हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे, इस वीडियो में करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। वो हमने लेक्चर अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। उसी का हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो इसमें 25 ऑब्जेक्टिव है, बहुत बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है, जो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल देगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए। और इस वीडियो पे हम रखते हैं 50 लाइक, आप जल्द पूरा कर दीजिएगा। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना मेरे दोस्त, क्योंकि ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मोटिवेशन मिलता है मुझे भी पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? अब देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। अगर नहीं जान रहे तो इसका सिद्धांत दिया था वो न्यूटन साहब ने दिया था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान का जनक भी हम न्यूटन को कहते हैं, फादर ऑफ, जो जनक है वो फिजिक्स का वो भी न्यूटन है, और भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का जो फादर है वो न्यूटन है, ठीक है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? और समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका जो मुख्य कारण है, उनका भी गुरुत्वाकर्षण है। अगर आप थ्योरी चैप्टर नहीं देखे तो देख लीजिए, बहुत बहुत हेल्पफुल देगा। नहीं तो अगर यहाँ पर इसी का रिविज़न बैच भी वही है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान जो कितना हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो निम्न से कि स्थान पर जी का मान शून्य हो जाता है। देखिए, अंतरिक्ष में जी का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस स्थान का जी का मान सर्वाधिक होता है यानी कि मैक्सिमम होता है? तो पोल पर होता है यानी कि ध्रुवों पर। तो नेक्स्ट, निम्न में से पृथ्वी का जी का मान जो कम होगा वो कहाँ होगा? वो भूमध्य रेखा पर होगा यानी कि इक्वेटर पर होगा। तो नेक्स्ट हमारा है, इसी तरह किस स्थान पर भार जो पृथ्वी से 1/6 गुना हो जाता है यानी कि चंद्रमा पर होता है? ये थ्योरी में मैंने पूरा डिटेल में बताया, ये भी देख सकते हैं। तो जी का मान बदलने से प्रभावित होने वाली राशि है। अब देखिए, 9 नंबर का आंसर जो है वो भार हो जाएगा यानी कि वेट हो जाएगा, इसका भी मैंने लेक्चर में बताया था। तो नेक्स्ट हमारा चलते हैं इधर, 10 नंबर में, पेड़ हिलाने का पर जो फल जो गिरना किसका उदाहरण है? ये जो उदाहरण है ये मोशन का प्रथम नियम यानी कि मोशन ऑफ फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट हमारा है, नौ से कूदने पर नौ का पीछे की तरफ जो जाना किसका उदाहरण है? वो गति का तृतीय नियम है यानी कि तीसरे नियम, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, रॉकेट का उड़ना किस नियम का है? तो रॉकेट जो उड़ता है वो तृतीय नियम के अनुसार उड़ता है। और नेक्स्ट हमारा है, रॉकेट का उड़ना भी गति का तृतीय नियम है, ठीक है। क्योंकि रॉकेट देखिए यहाँ से उड़ती है और ये एक्शन इधर होती है और रिएक्शन इधर होती है। और नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग वो क्या होता है? वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इतने यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर हम फेंकते हैं, उसे हम फेंकेंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो वह सीधा सैटेलाइट में चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, अगर इस वेग से फेंकते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो सीधा चले जाएगा सैटेलाइट में। इसी का यूज़ किया जाता है सैटेलाइट को भेजने के लिए, इतने किलोमीटर पर सेकंड से फेंका जाता है यानी कि वेग से फेंका जाता है। नेक्स्ट हमारा है, चंद्रमा का पलायन वेग क्या है? चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो है 2.31 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर वहाँ से किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो अर्थ पर वह आकर गिरेगा, इतने से फेंका जाएगा, तो इतना स्पीड से, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो है वो, यदि कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु गिराई जाए तो वह वस्तु नीचे गिरती है या ऊपर जाती है? कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु यानी कि उपग्रह से कोई वस्तु अगर नीचे गिराई जाए तो वो यान के साथ चले जाएगी, ठीक है, वो यान के साथ चलेगी। और नेक्स्ट हमारा, दूर संचार उपग्रह का परिक्रमण काल है? देखिए, सेटेलाइट का जो परिक्रमण है वो कितने है? तो वो है मेरे भाई, वो है 18 घंटा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है? तुल्यकालिक का उपग्रह का आवर्तकाल होता है, जी मेरे भाई होता है, वो होता है 24 घंटे, ठीक है। और 18 नंबर में, यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाए तो जी का मान होता है यानी कि बढ़ता है, ठीक है। यदि हम इक्वेटर से पोल पर जाएं, ठीक है, तो जी का मान जो होगा वो बढ़ेगा। उपग्रह में बैठा व्यक्ति का भार होगा, देखिए अगर कोई वस्तु या आदमी या व्यक्ति उपग्रह में अगर बैठेगा, ठीक है, उपग्रह का मतलब क्या है, चंद्रमा पर अगर बैठेगा, अर्थ का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई आदमी बैठता है
तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है, उनका वेट शून्य होगा। और अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता अनुभव होने का कारण जो है वो क्या है, वो है शून्य गुरुत्व, ठीक है, ग्रेविटी शून्य हो जाता है वहाँ पर। अगर 10 किलोग्राम के द्रव्यमान पिंड को गहरी खान में ले जाएं तो उनका भार क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा, भार बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान आकार वाली लौह और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक गिराते हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है। दो समान आकार वाले लोहे और एक लकड़ी, ठीक है, एक लोहे एक लकड़ी है, दोनों को नीचे गिराते हैं तो कितना समय में पहुंचेगा, पूर्णतः समान पहुंचेगा, दोनों एक समान पहुंचेगा, ठीक है, लकड़ी हो या फिर लोहा हो, दोनों एक साथ पहुंचेगा। अगर इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं आप अपने छत पर से कर सकते हैं प्रैक्टिकल, दो वस्तु को गिराइए, एक लोहा लीजिए एक लकड़ी लीजिए, देखिएगा दोनों एक समान नीचे गिरेगा। दो अलग अलग वजन की समान आकार की गेंद निर्वात में गिराते हैं, निर्वात मतलब क्या, जहाँ पर हवा का प्रेजेंस नहीं हो, तो वहाँ पर पूर्णतः समान में होगा। अगर आप अपने छत पर से नीचे गिरा के, यहाँ तो हवा है, बट एक ऐसा जगह चुनिए, मान लीजिए एक पाइप है, वहाँ से इन वस्तुओं को गिराइए और इससे हवा निकाल दीजिए, तो वहाँ पर जो होगा वो पूर्णतः दोनों वस्तु समान पहुँचेगा। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। तो चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, ठीक है, तो पृथ्वी पर इनकी ध्वनि सुनाई देगी, अब देखिए जरूर सुनाई देगी, वो कितने मिनट के बाद देगी तो ये हम जानते हैं। देखिए चंद्रमा पर होगी बट यहाँ पर सुनाई नहीं देगी मेरे भाई, ठीक है। अगर यहाँ पर आकाश में होती है, स्पेस में भी होती है, तो वहाँ पर हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर एयर ही नहीं है मेरे भाई, वहाँ पर निर्वात है, ठीक है। यदि पृथ्वी की सूर्य से वर्तमान दूरी आधी कर दी जाए तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे, यदि पृथ्वी की सूर्य से, ठीक है, पृथ्वी के सूर्य से वर्तमान दूरी आधी कर दिया जाए तो वह एक वर्ष में कितने दिन लगेंगे, तो मेरे भाई 129 दिन लगेंगे, ये सब याद रखिएगा। और बस इतना ही था, और आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।